नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने संस्था कारगर विथालोक में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, जहां भी होंगे अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, अपने अगल बगल वालों का ध्यान रख रहे होंगे। अगर आप जॉब पे हैं तो आप ज्यादा सतर्कता बरतिएगा, अपने सहपाठियों को भी सतर्क रहने के लिए कहिएगा, क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी चल रही है इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब केसेस बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जब इनको लॉकडाउन करना चाहिए तो इन्होंने लॉकडाउन ओपन कर दिया है, क्योंकि इनका ये कहना है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बंद करने से नहीं चलती है। खैर कोई बात नहीं, आप लास्ट क्लास में हम जो आपको प्रमुख आंदोलन के बारे में बताए थे, कई लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, पता नहीं क्यों नहीं देखा, शायद सबका तैयार होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके पहले जो हमने भूमि पैमाइश और भू राजस्व सुधार आपको बताया था, उसी से जुड़ा हुआ आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो है भारत में किसान आंदोलन। ठीक, देखिए बात क्या है कि जब अगर भू राजस्व सुधार होगा, भूमि सुधार होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे, कुछ खराब इफेक्ट्स होंगे। तो वही साइड इफेक्ट्स जो दिए भारत में आंदोलनों को जन्म दिया, क्योंकि जमींदार होने लगे, जो भूमि का स्वामी होता था वो स्वामी ना रहकर अब केवल भूमि का काम करने वाला बन गया, कष्टकार हो गए, जमींदार को सारी शक्ति दे दी गई, राजा के पास पूरा नियंत्रण हो गया कि भाई उसका जो मन होगा वो लगान लेगा, जब मन होगा लगान बढ़ाएगा, जब मन होगा लगान कम करेगा, या खेती के पहले ही वो अग्रिम रकम दे देगा किसानों को, जो कि बाजार के भाव से बहुत कम होगा। यही कारण है कि ये जो लगान व्यवस्था आई, जिसमें ट्रायल एंड एरर मेथड था, स्थायी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी थी, महलवाड़ी थी, इन तमाम व्यवस्थाओं की वजह से काफी ही ज्यादा लगान व्यवस्था में प्रॉब्लम्स या दिक्कतें चालू हो गई, जिसको लेकर भारत के किसानों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विद्रोह कर दिया। ये टॉपिक जो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो किसान आंदोलन और किसान से जुड़े हुए प्रमुख सभाओं का जो गठन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है, नॉर्मल चार्ट में लेके आए हैं जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए थे और उनको आगे करके समझाते हुए चलते हैं। तो भारत में किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो नील विद्रोह से मानी जाती है। ठीक, देखिए आपके सामने बढ़िया सा ऐसे ही चार्ट आपको बनाना है। पहला जो यहां पर आंदोलन की बात कही गई है वो नील विद्रोह है, जिसके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये 1859 से 60 तक चला था और इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो बंगाल और बिहार था। जनरली अगर लेखपाल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको बस ये पूछा जाएगा कि नील विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया, तो आंसर होगा विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। लेकिन सवाल ये उठता है कि नील विद्रोह था क्या, हुआ क्यों, तो क्या रीजन था नील विद्रोह होने का, समझिएगा क्या है नील विद्रोह। यहां पर एक प्रथा चल रही थी जिसको ददनी प्रथा के नाम से जाना गया। ठीक, ददनी प्रथा क्या थी, ददनी प्रथा ये समझिएगा, ददनी प्रथा ये थी कि किसानों को अग्रिम रकम देकर, अग्रिम पैसे रकम देकर उनसे खेती करवाना, और वो जो उप रकम होती थी वो बाजार के मूल्य से बहुत कम होती थी। मतलब अगर एक अपनी सीधी साधा साधारण भाषा में बोला जाए कि किसानों को खेती करने से पहले कुछ पैसे दे देते थे और उनसे ये शर्तनामा लिखवा लेते थे कि आपकी जो उपज होगी वो मेरी होगी, लेकिन जो उपज होती थी उसका जो मूल्य होता था वो बाजार में बहुत ज्यादा होता था और जो रकम बेचारे किसानों को मिलती थी वो बहुत कम होती थी। यही कारण है कि इस प्रथा को ददनी प्रथा के नाम से जाना गया। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि हम निम्न में से किस विद्रोह में ददनी प्रथा का इस्तेमाल हुआ था, तो आंसर हो जाएगा नील विद्रोह में, क्योंकि ददनी प्रथा मैंने क्या कहा ध्यान से सुनिएगा। ठीक, कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप लिख दिए करिए पूरा, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, नर्सरी या क्लास प्रेप में नहीं है। ठीक है, आप लेक्चर को सुनिए और लिखिए। ददनी प्रथा क्या था कि खेती के पूर्व ही किसानों को अग्रिम वेतन देना और उनसे यह शर्तनामा लिखा लेना कि वो उपज उन्हीं को देंगे, लेकिन जो किसानों को रकम दी जाती थी वो वास्तविक रकम से बहुत कम होती थी, बाजार मूल्य से बहुत
कम होती थी। यही कारण है कि बंगाल और बिहार के किसानों ने विद्रोह कर दिया, और जब विद्रोह किया तो इस विद्रोह को मतलब कंट्रोल में करने के लिए 1860 में W.S. सेटोनकर ने नील आयोग का गठन किया। किस आयोग का गठन किया? नील आयोग का। और इसी के तहत जब नील आयोग का गठन हुआ तो यह ददनी प्रथा को समाप्त किया गया। नील विद्रोह का खास बात यह है कि नील विद्रोह का जिक्र हरिश्चंद्र मुखर्जी की पत्रिका हिंदू पैट्रियट में मिलती है। किसमें? हरिश्चंद्र मुखर्जी की पत्रिका हिंदू पैट्रियट में नील विद्रोह का जिक्र मिलता है। इसके साथ साथ दीन बंधु ने नील विद्रोह से जुड़ा हुआ नील दर्पण नामक नाटक भी लिखा है। तो मेरी बात समझिए, तो कहने का मतलब नील विद्रोह ददनी प्रथा की वजह से हुआ, और नील विद्रोह का जो जिक्र मिलता है वो हरिश्चंद्र मुखर्जी की पत्रिका हिंदू पैट्रियट में मिलता है, और दीन बंधु ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है, और नील आयोग का गठन करने वाले 1860 में W.S. सेटोनकर थे, और पहला किसान सफल विद्रोह जो है वो नील विद्रोह है। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि पहला किसान सफल विद्रोह कौन सा है, पहला किसान सफल विद्रोह कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा नील विद्रोह। दूसरा जो विद्रोह था वो था पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह जो था बंगाल में 1873 और 76 में हुआ था, और इसके जो नेता थे वो थे ईशान राय, शंभूपाल और केशव चंद्र राय। ठीक, मुद्दा ये है कि पाबना विद्रोह था क्या। पाबना विद्रोह क्या था कि जो कानून ने जो डिसाइड किया था लगान दर, उससे ज्यादा जमींदार वसूलते थे, और 1859 के अधिनियम 10 के तहत क्या हुआ कि जमींदारों ने कष्टकारों से उनके अधिकारों को छीन लिया गया, जिसके कारण यहां के किसानों ने विद्रोह कर दिया। तो पाबना विद्रोह का जो कारण था, सबके कारण बताते चल रहे हैं आपको, ठीक, ये प्रमुख किसान विद्रोह है दोस्त, जरूरी है। क्या था कि जमींदारों ने लगान को बढ़ा दिया था, कानून ने जो निर्धारित किया था लगान को उससे ज्यादा कर दिया था। जमींदारों ने कानून के द्वारा निर्धारित लगान से ज्यादा लगान लेते थे। ठीक, ये पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था कि 1859 के अधिनियम के तहत 1859 के 10वें अधिनियम के तहत कष्टकारों से जमींदारों ने इनके अधिकारों को छीन लिया। इनके अधिकारों को क्या कर दिया? छीन लिया। यही कारण था कि यहां के किसानों ने विद्रोह कर दिया। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि पाबना विद्रोह का समर्थन भारत का आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भी किया था। तो कभी भी पूछा जाएगा कि पाबना वो का कैनिंग ने किस किसान विद्रोह का समर्थन किया था, तो कैनिंग ने पाबना विद्रोह का समर्थन किया था। रीजन क्या था कि ये जो विद्रोह था ये अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, ये जमींदारों के विरुद्ध था।
क्योंकि आप कारण देखिए क्या लिखा है, जमींदारों ने कानून के द्वारा निर्धारित लगान से ज्यादा लगान लेते थे। और 1859 अधिनियम 10 के तहत क्या हुआ कि कष्टकारों से जमींदारों ने उनकी अधिकारों को छीन लिया। यही रीजन है कि ये जो विद्रोह था ये जमींदारों के लिए था, जमींदारों के खिलाफ था, ना कि अंग्रेजों के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जो किसान विद्रोह था वो ज्यादातर सफल रहे, क्योंकि वो विद्रोह जो भारत में किसान विद्रोह होते थे वो भारतीयों के लिए ही, मतलब भारतीयों के ही खिलाफ होते थे, भारतीय जमींदारों के खिलाफ ही होते थे। इसीलिए अंग्रेज लोगों में क्या होता था कि जब अंग्रेज गवर्नर जनरल या वायसराय आते थे तो वो लोगों में सुलह करवा देते थे या संधि करवा देते थे। और सबसे पहला सफल किसान विद्रोह कौन सा है, नील विद्रोह। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, फिर अगले विद्रोह पर चलते हैं। अगला जो विद्रोह है वो है दक्कन विद्रोह। कौन सा है, दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, जस्टिस रानाडे के, 1875 में पुणे तथा अहमदनगर में। तो दक्कन विद्रोह क्यों हुआ ये समझिए। ज्यादातर जो किसान थे वो अपने कर्जे की, कर्ज अदायगी की माफ के लिए गुजरात के साहूकारों और जमींदारों के साथ में फंस गए थे। हुआ क्या था कि जब 1860 में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तो कपास का निर्यात बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि दक्कन का पठार है, आप जानते हैं यहाँ पर कॉटन या कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो क्या था कि कपास का निर्यात बहुत ज्यादा होता था, लेकिन जब गृह युद्ध समाप्त हुआ तो कपास के दाम में भारी गिरावट आई। और जब भारी गिरावट आई और उसी समय क्या हुआ, 1869 में 1869 में 50% कपास पर कर लगा दिया गया और खराब फसल के उत्पादन ने किसानों की कमर तोड़ दी, जिसके कारण यहां के किसानों ने लगान को कम करने के लिए कहा। और जब इनकी बातें नहीं सुनी गई तो किसानों ने यहां पर विद्रोह कर दिया, जिसे हम दक्कन विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या कहा कि यह जो विद्रोह था ज्यादातर किसान कर्ज अदायगी माफ के लिए गुजरात आए थे जो जमींदार और साहूकारों में फंस गए, मतलब यह विद्रोह भी जमींदार और साहूकारों के ही विरोध में था। 1860 में जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तो कपास का निर्यात 1860 लेकिन गृह युद्ध की समाप्ति के बाद कपास के दाम में भारी गिरावट आई। देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग कमेंट में कहते थे सर लिखते चलिए, क्योंकि कपास के दाम में भारी गिरावट आई। और इसी समय क्या हुआ कि जो लगान था वो 50% कर दिया गया। कितना कर दिया गया लगान, 50%। तो जो साहूकार और जमींदार क्या है वो खूब बहुत ज्यादा लगान वसूलने लगे, और इसी समय खराब फसल की खेती भी हुई, फसल भी खराब हो गई, जो कि किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, या किसानों की हड्डियों को तोड़ दिया, ऐसा कहा जाता ना बैकबोन। और जिसकी वजह से यहाँ किसानों ने विद्रोह कर दिया। बाद में आयोग का गठन हुआ, किसानों में और साहूकारों में सुलह हुआ और दक्कन विद्रोह का अंत हो गया। अगला जो किसान विद्रोह था वो था मोपाला विद्रोह। मोपाला विद्रोह सैयद अलावी और फजल और पुकैया के नेतृत्व में हुआ था। मोपाला विद्रोह का जिक्र एक जगह और मिलेगा। मोपाला विद्रोह 1921 में भी हुआ था और 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था। कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, असहयोग आंदोलन चल रहा था और असहयोग आंदोलन के दौरान भी मोपाला विद्रोह एक बार फिर से हुआ था। और जब गांधी केरल गए थे तो उन्होंने मोपालाओं से कहा था कि अपने इस विद्रोह का विलय असहयोग आंदोलन में करते। जनरली मोपाला विद्रोह था क्या, बात यह था कि 9वीं और 8वीं शताब्दी में जो अरब से आए थे मुस्लिम लोग,
वो यहाँ केरल में आकर खेती करने लगे, और वो जब खेती करने लगे तो धीरे धीरे वो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाते हुए चले गए, और हिंदू जमींदार उनको काफी ज्यादा पीड़ित करते थे। और जब हिंदू जमींदार उनको पीड़ित करने लगे, और जब ये उनकी पीड़ा की सीमा उनसे ज्यादा हो गई, सहने से ज्यादा हो गई, तो यहां के किसानों ने विद्रोह कर दिया, जिसे हम मोपाला विद्रोह कहते हैं। मोपाला कौन थे? अभी मैंने कहा जो 8वीं और 9वीं शताब्दी में अरब से आए थे और केरल में ये खेती करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये केरल में रहने वाले काले हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, और हिंदू जमींदारों के द्वारा इन्हें काफी पीड़ित किया जा रहा था, इसीलिए मोपालाओं ने हिंदू जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अगला जो विद्रोह था वो फड़के विद्रोह था। इसका नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। वासुदेव बलवंत फड़के पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने शस्त्र के द्वारा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का निर्णय किया था। ठीक, डेट पे मत जाइएगा, आप डेट पे मत जाइएगा। बात क्या है कि इन्होंने सशस्त्र क्रांति की और अंग्रेजों को देश के बाहर, देखिए जो इसके पहले हुआ था वो देश के बाहर नहीं था, वो समझौते वाले क्रांति और विद्रोह थे, लेकिन सशस्त्र क्रांति मतलब सहस्त्र क्रांति करने वाले जो सर्वप्रथम थे वो वासुदेव बलवंत फड़के थे, और जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए पहला प्रयास किया था। अगला जो सत्याग्रह था किसान विद्रोह में वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि गांधी के शासनकाल में हुआ था 1917 में बिहार में। क्या था चंपारण सत्याग्रह, समझिएगा। चंपारण सत्याग्रह क्या था कि यहां पर चंपारण सत्याग्रह बिहार के मोतिहारी जिले में स्थित है। कहां पर है? बिहार के मोतिहारी जिले में। यहां पर किसानों से नील की खेती कराई जा रही थी, तिनकटिया पद्धति के आधार पर। किसानों से तिनकटिया पद्धति के आधार पर, तिनकटिया पद्धति कहने का मतलब आपके भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना, इसी को तिनकटिया पद्धति कहा गया। तो यहां के किसानों से तिनकटिया पद्धति के द्वारा नील की खेती कराई जा रही थी। यहां के किसानों को नील की खेती करने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जर्मनी में कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल नील की खोज हो गई, और जब कृत्रिम नील की खोज हो गई तो फिर जो अंग्रेज थे वो जर्मनी से ही कम दाम में नील मंगा लेते थे, और यहां के किसानों को उनकी लागत ही नहीं मिल पाती थी। इसीलिए यहां के किसानों का यह कहना था या तो नील की खेती करने से समाप्त करवा दिया जाए, या तो जितनी हमारी लागत है वो हमें मिल जाए। लेकिन जब अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी तो यहां के किसानों ने विद्रोह कर दिया, और 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ल ने गांधी से मुलाकात की और उन्होंने गांधी को चंपारण आने के लिए कहा। गांधी चंपारण गए और गांधी ने यहां पर अपना सत्याग्रह किया, जो कि गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, और यहां पर गांधी की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि से नवाजा था। किस उपाधि से नवाजा था? महात्मा की। तो जो ये किसान विद्रोह था ये कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। अगला किसान विद्रोह चलते हैं। अगला था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा क्या था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला था खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा क्या था ये भी बता देते हैं। इसका भी नेतृत्व गांधी ने ही किया था। खेड़ा जो है ये गुजरात में था। यहां पर लगान को लेकर विद्रोह चल रहा था। मतलब अंग्रेजों ने ऐसा नियम लाया था कि अगर पिछले वर्ष के मुकाबले वर्तमान वर्ष का उत्पादन 1/4 से कम है तो लगान नहीं लिया जाएगा। क्या हमने कहा कि अगर
पिछले वर्ष के मुकाबले अगर पिछले वर्ष के मुकाबले वर्तमान वर्ष का उत्पादन 1/4 से कम है तो लगान नहीं लिया जाएगा। लेकिन खेड़ा में ऐसे हालात थे और उसके बाद भी लगान लिया जा रहा था। यही कारण है कि खेड़ा के दो किसान मोहन लाल पांड्या और शंकर लाल पारिक के कहने पर गांधी खेड़ा गए। किसके किसके कहने पर? मोहन लाल पांड्या और शंकर लाल पारिक के कहने पर गांधी खेड़ा गए और गांधी ने यहां पर सत्याग्रह किया और गांधी को सफलता प्राप्त हुई। अगला जो किसान विद्रोह था वो था एका आंदोलन। एका आंदोलन में कोई खास बात नहीं थी, ध्यान सुनिएगा, लिखना चाहे लिख लीजिए। एका आंदोलन में क्या था कि यहां के किसानों की मांग थी कि अनाज की जगह पर लगान के रूप में नगद लिया जाए। क्या? यहां के किसानों की मांग थी कि अनाज की जगह लगान के रूप में, मतलब अनाज के स्थान पर लगान के रूप में नगद लिया जाए और किसान निर्धारित रूप में ही नगद देंगे, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। मतलब अगर निर्धारित है कि 100 रुपए देना है सरकार के द्वारा तो 100 रुपए ही देंगे, 101 रुपए नहीं देंगे। जिसके बाद क्या हुआ कि यहां पर यहां के किसानों की मांगों को ध्यान में नहीं रखा गया तो यहां के किसानों ने विद्रोह कर दिया। देखिए दोस्त, ये जो क्लास है ये बोरिंग नहीं है, इसमें ऐसे टॉपिक ही है और आंदोलन को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ये भले छोटे छोटे विद्रोह हैं लेकिन ये आपसे पूछे जरूर जाएंगे। अगला जो था वो था बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह के नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल थे। बरदौली सत्याग्रह क्या था आपको समझा देते हैं। ये एक आंदोलन आप समझ गए होंगे, यहां पर किसानों की मांग थी कि अनाज की जगह नगद लगान के रूप में देना। देखिए जहां जहां समझाना है वहां मैं पूरा समझा दे रहा, जहां कोई समझाने की चीज ही नहीं है वहां पर उस चीज की व्याख्या करके क्या फायदा, और आपको तो केवल ऑप्शन देख के टिक ही तो करना है। ठीक, तो चलिए बरदौली सत्याग्रह यही बता देते हैं। बरदौली जो है ये गुजरात में है। ठीक, यहां पर हाली पद्धति के द्वारा खेती कराई जा रही थी। किस पद्धति के द्वारा? हाली पद्धति के द्वारा। हाली पद्धति मतलब बधुआ मजदूर, सुने होंगे लोग कहते हैं ना कि भाई हम कहां काम कर रहे हैं, हम बधुआ मजदूर है क्या? यहां पर बधुआ मजदूर से जबरदस्ती, मतलब मजदूरों से जबरदस्ती खेती कराई जा रही थी जिसे हम हाली पद्धति या बधुआ मजदूर जानते हैं। और इसके साथ साथ यहां पर कपास की खेती होती थी और कपास, और 1926 में क्या हुआ कि कपास की कीमतों में भारी गिरावट आई जिसके बाद भी अंग्रेजों ने 22% लगान निर्धारित कर दिया। और यही रीजन है कि यहां के किसानों ने लगान न देने के रूप में इस विद्रोह को प्रारंभ किया। तो हमने क्या कहा, 1926 में कपास की कीमत में भारी गिरावट आई और इसके बाद भी अंग्रेजों ने 22% लगान लगा दिया तो यहां के किसानों ने लगान ना देना के नाम से आंदोलन चलाया। ये सवाल ऐसे पूछ सकता है कि कहां के किसानों ने लगान ना देने के रूप में आंदोलन चलाया, तो वो हो जाएगा बरदौली सत्याग्रह। और इसी सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि मिली थी? सरदार की उपाधि मिली थी।
चलिए अगले विद्रोह पर चलते हैं। अगला जो विद्रोह था वो तेभागा आंदोलन था, ठीक, जो 1946 से 1950 तक चला। कंपारण और भवन सिंह इसके नेतृत्व करता थे। तेभागा क्या था? यह जो आंदोलन था या यह जो किसान विद्रोह था, यह बटाईदारों का और भूमि स्वामी के साथ था। बात क्या था कि लोग जमीन देते हैं ना बटाई पर, जैसे बटाई वगैरह मैंने बताया है आपको भूमि पैमाइश, तो ये जो विद्रोह था ये बटाईदार और भूमि के स्वामी के उसमें था। जो बटाईदार होते थे वो बेचारे अपना पूरा पैसा लगाकर खेती करते थे, फसल का उत्पादन करते थे, और उनको आधा भूमि के मालिक को देना पड़ता था, कभी कभी आधे से ज्यादा भी देना पड़ता था, जिसके कारण उनको उनकी लागत भी नहीं मिल पाती थी, केवल उनका मेहनताना ही उनको मिलता था। जब उनकी ये मांग हुई कि 2/3 हिस्सा हम बटाईदारों को मिलना चाहिए और 1/3 हिस्सा भूमि के स्वामी को मिलना चाहिए, तो जिसकी वजह से जब भूमि स्वामी ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया तो यहाँ के किसानों ने विद्रोह कर दिया। तो ये जो विद्रोह था ये किसके किसके विरोध में था? बटाईदार और मालिकों के बीच में, क्लियर, बटाईदार और मालिकों के बीच में। और जो आखिरी किसान आंदोलन था वो तेलंगाना आंदोलन था। यहां पर संपूर्ण भूमि पे निजाम का अधिकार था और निजाम ने क्या किया कि बिना किसी रीजन के लगान को बढ़ा दिया और अनाज को सस्ते दामों पर बेचने के लिए कहा। समझिएगा, निजाम ने बिना किसी रीजन के लगान को बढ़ाया और किसानों से अनाज को सस्ते दामों पर बेचने के लिए कहा, जिसके कारण किसानों में असंतुष्टि हो गई और उन्होंने किस आंदोलन को जन्म दिया? तेलंगाना आंदोलन को, जो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद तक चले हैं। ठीक, देखिए ये दोनों आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के बाद चले हैं। ये सवाल बहुत प्रचलित है, पूछा जाता है कि निम्न मसे वह कौन सा किसान आंदोलन है जो भारत की स्वतंत्रता के बाद तक चला है। तो दोनों में से कोई एक आ रहेगा, या तो तेभागा ऑप्शन हो जाएगा या तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। और तेलंगाना ही आंदोलन में छापा मार पद्धति का प्रयोग किया था किसानों ने। ठीक, आप देखिए अभी तक आप जितने भी किसान आंदोलन देखे होंगे उसमें सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो आंदोलन था तेलंगाना आंदोलन था। तो छापा मार पद्धति के द्वारा दीर्घ समय तक चलने वाला जो आंदोलन था वो तेलंगाना आंदोलन था। तो कभी भी आपसे पूछ दिया गया कि सबसे दीर्घजीवी समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। ये कुछ प्रमुख किसान आंदोलन थे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपको कहीं से भी ये मतलब एक एक पॉइंट उठा के पूछ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ लेखपाल की बैच स्टार्ट हो गई हमारी संस्था में, तो जिसको भी जुड़ना नीचे स्क्रॉलिंग पे नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट करिए, संस्था से जुड़िए। बस आप लेकिन क्लास पे फोकस करिए, क्लास बहुत ही जरूरी है। अगर किसान आंदोलन होंगे तो जैसे क्या कहते हैं नील आयोग का गठन हुआ, ठीक है, उसी प्रकार अलग अलग किसान सभा का भी गठन होगा। तो भारत में कुछ किसान सभा के जो गठन थे वो इस प्रकार है, केवल बस इनको इतना ही आप जान के रखिए। प्रमुख किसान सभा जो है वो इस प्रकार है। पहला किसान सभा का जो गठन हुआ था वो था उत्तर प्रदेश किसान सभा। गौरी शंकर मिश्रा और मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था, इसमें मदन मोहन मालवीय भी थे। इसका गठन 1918 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो भारत में सबसे पहले किसान सभा का गठन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। चूंकि आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, सकता है आपको एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे पहले किसान सभा का गठन कहाँ हुआ, तो वो था उत्तर प्रदेश में। यार किसके नेतृत्व में? गौरी शंकर मिश्रा और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। दूसरा जो था वो अवध किसान सभा था बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में, कब? 1920 में उत्तर प्रदेश में। तीसरा जो किसान सभा था वो था आंध्र प्रांतीय रैयत सभा। क्या? आंध्र प्रांतीय रैयत सभा। इसका नेतृत्व करता या इसके गठनकर्ता कौन थे? एनजी रंगा, जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के विरोध में थे।
और इसका गठन कहां हुआ था? आंध्र प्रदेश में। बस जैसे चार्ट बना ऐसे ही आप चार्ट बना लीजिए। आपसे कहा गया है कि जो जीएस से क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा नहीं आने वाले हैं टॉपिक वाइज में, लेकिन जो और लोग भी, जो दूसरे लोग भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी मैं ही रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि पीसीएस तक भी केवल इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, अगला जो किसान सभा था वो था बिहार किसान सभा, जिसका गठन स्वामी सहजानंद ने किया था 1929 में बिहार में। उसके बाद था कृषक प्रजा पार्टी, जिसका गठन फजल हक ने और अकरम खान ने किया था बंगाल में। और सबसे आखिरी जो था वो अखिल भारतीय किसान सभा था, जिसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था 1936 में। ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं और ये सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक, कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां हुआ, तो लखनऊ में, या अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो आज की क्लास में इतना ही, जरूर क्लास छोटी थी, हो सकता है कई लोगों को बोरिंग में लगी हो, बस इतना ही है। किसान आंदोलन में, ये महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अपने नोट्स में, जहां पर आपने भूमि पैमाइश सुधार या भू राजस्व व्यवस्था लिखी है उसके बाद इस पोर्शन को ऐड कर दीजिएगा, वहीं से आपका क्रम बन जाएगा। क्योंकि अगर भू राजस्व सुधार वाली व्यवस्थाएं ना लागू होती तो लगानों में बढ़ोतरी ना होती, तो किसानों के विद्रोह ना होते। बाकी दोस्तों घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और क्लासेस को रेगुलर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।